हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या चीज़ के बारे में हम देखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, वेव्स हैं। अब देखो वेव क्या करती हैं, वेव नेचर शो करती हैं, ठीक है, और साथ साथ ये करती हैं पार्टिकल नेचर के बारे में भी शो कर रही हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। ठीक, और ऐसा ही किसके साथ हो रहा है, पार्टिकल्स के साथ हो रहा है। ठीक है, जो पार्टिकल हैं, ठीक है, पार्टिकल पार्टिकल नेचर तो शो कर ही रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल नेचर तो शो कर रहे हैं और साथ साथ में वेव नेचर भी शो कर रहे हैं। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं मैटर से। ठीक है, जब हम कह सकते हैं मैटर का मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, मैटर मैटर इंटरेक्शन हो रहा है ठीक है, जब मैटर का मैटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तब क्या कर रही हैं, जो वेव्स हैं वो वेव नेचर शो करती हैं और कभी कभी क्या कर रही हैं, पार्टिकल नेचर भी शो कर रही हैं। और ऐसा ही फिनोमेनन कुछ पार्टिकल्स भी शो करते हैं। ठीक है, वो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि पार्टिकल नेचर शो करते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, वेव्स का नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अब देखिए वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है क्या चीज़। ठीक है, इसे देख लेते हैं पहले। आ जाइए, सबसे पहले एक साइड लिख लेता हूँ, लिख लेता ना यहाँ पर वेव नेचर, इसी के साइड में वेव नेचर हो गया और यहीं पे लिख लेता हूँ पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है, चलिए पार्टिकल नेचर। अब देखो कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है, कि कौन सा पार्टिकल है, कौन सा वेव नेचर है, किसकी वजह से हम उसे वेव कहते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग थ्योरीज थी। ठीक है, वेव नेचर के लिए या वेव थ्योरी थी, पार्टिकल नेचर को शो करने के लिए पार्टिकल थ्योरी थी हमारे पास। ठीक है, अब देखो वेव क्या है, वेव एक खाली डिस्टर्बेंस है। ठीक है, वेव क्या है, जनरली डिस्टर्बेंस है जिसके पास क्या होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और क्या होगा, कुछ वेवलेंथ होगा जिसकी वजह से ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट या दो करस्पॉन्डिंग ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है जनरली। ठीक है, अब देखो पार्टिकल, पार्टिकल क्या होगा, जिसके पास क्या होगा, अपना मास होगा। ठीक है, या वेलोसिटी होगी कुछ। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पी शो करते हैं मोमेंटम। ठीक है, एम वी होता है पी। ठीक है, यानी कि अगर मास है वेलोसिटी है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। ठीक है, और मास है तो क्या होगा, एनर्जी भी होगी। मास है तो मतलब क्या है, एनर्जी भी है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मास है तो एनर्जी है, मतलब क्या, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अगर पास मास है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगी उससे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला था E = mc². ठीक है, यहाँ पर देखिए c क्या है, c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर एनर्जी किससे एसोसिएटेड है, सीधा मास से। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है अभी। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा है। तो देखो अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, कोई भी सब्सटेंस का जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, वेव नेचर शो कर रहा है या पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। अब देखो वेव हमने क्या देखा था, उसके पास क्या होगा, वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, अब देखो और क्या करती हैं वेव्स, कैसे इंटरेक्शन हमें शो करती हैं। देखो क्या क्या होगा, रिफ्लेक्शन शो करती है, पहली सी टी आई। ठीक है, वेव्स हैं तो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अरे सी टी आई, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है लाइट। ठीक, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक, इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन देख लेते हैं, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइज भी होती है तो पोलराइजेशन। ठीक है, ये कुछ थोड़े से फिनोमेना है जो क्या करती है, लाइट शो करती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है और पोलराइजेशन शो करती है। ठीक है, ये क्या है, वेव नेचर। ठीक, कभी भी अगर इंटरेक्शन पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन शो होता है तो हम कह सकते हैं ये उस सब्सटेंस का क्या है, वेव नेचर है। ठीक है, वहीं अगर पार्टिकल नेचर की बात आती है तो देखो यहाँ पर दो ही टर्म है जनरली। ठीक है, पहला क्या है, मोमेंटम, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम, और हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो ही चीज़ें यहाँ पर, ये तो मोमेंटम का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, तब हम कह सकते हैं वो ना पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। और हाँ, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चला, चलिए उन्हें भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इसकी वजह से हमें पता चला था इससे पार्टिकल नेचर के बारे में। और दूसरा हमने देखा था कि क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के थ्रू पता चला था हमें, ठीक है, किसके बारे में, एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में, ईसीटी इफेक्ट, ठीक। हम मोमेंटम की भी बात कर लेते हैं, मोमेंटम हमने किससे देखा था, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट्स क्या देखने को मिला था हमें, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कैसे वो फ्रीक्वेंसी और उसमें कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, वो सबको भी बाद में बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि इनकी वजह से हमें क्या देखने को मिला था, पार्टिकल नेचर देखने को मिला था किसी भी वेव का, ठीक है, या किसी वेव हम कह सकते हैं लाइट का जनरली, ठीक है, कभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो किससे एसोसिएटेड है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से, ठीक है, जो क्या क्या फिनोमेना शो करता है, कभी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है। अगर ये फिनोमेना शो करता है तो हम कह सकते हैं वो वेव से, या जो इंटरेक्शन है वो क्या शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। पार्टिकल नेचर में कब कहेंगे, जब उसके पास क्या हो, कुछ मास हो, वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या उसके पास क्या हो, कुछ मोमेंटम, एनर्जी। तो और इसमें दो ही टर्म होती है मेनरली, ठीक है, क्या एक मोमेंटम है, दूसरा एनर्जी है, ठीक। अच्छी, अब देखो इनके नेचर को कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में हमारे 11th 12th में, ठीक है। देखो ये कहते थे, ठीक है, कौन, डी ब्रॉगली, ठीक है, इन्हें डी ब्रॉग भी बोला जाता है, ठीक है। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, ये कहते थे ईच, अच्छा इसे लिख लेते हैं, ठीक है, इनका कहना था ईच मूविंग पार्टिकल, ईच मूविंग पार्टिकल, जो क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पास क्या होगा, ड्यूल नेचर, ईच मूविंग पार्टिकल हैज ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर, ठीक है, ये ऐसा मानते थे। ये हम क्या कह सकते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में भी हमने पढ़ा होगा, ठीक है, इनका मानना था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल उसके पास क्या होगा, ड्यूल नेचर होगा, यानी कि वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एज अ वेव भी बिहेव करेगा और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगा, ठीक है। इसके बाद ही इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, मैटर वेव का। अच्छा थोड़ा बहुत उसे भी देख लेते हैं, मैटर वेव क्या चीज़ है, यहीं पर लिख ले, चलिए इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या एज्यूम किया कि ईच वेव, ईच वेव एसोसिएटेड विथ, ईच वेव इज एसोसिएटेड, ओ सी आई एटी डी, एसोसिएटेड विथ मूविंग मटीरियल, विथ मूविंग मटीरियल, ठीक है, मूविंग मटीरियल पार्टिकल, डी आई सी डी, मूविंग मटीरियल पार्टिकल, विच इज क्या बोला था उन्होंने, विच इज कॉल्ड, इसे ही उन्होंने क्या बताया था, मैटर वेव, ठीक है, विच इज कॉल्ड मैटर वेव, ठीक है। ये इनका मानना था, मतलब इन्होंने यही चीज अज्यूम की थी कि जो हर वेव है, ईच वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मटीरियल पार्टिकल, ठीक है, हर वेव किससे एसोसिएटेड होगी, मूविंग मटीरियल पार्टिकल से, ठीक, और इसी मूविंग मटीरियल पार्टिकल जो वेव है, इसे इन्होंने क्या बोला था, मैटर वेव बोला था। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई वेव है, ठीक है, और इसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक बहुत छोटी सी समझने की बात है हमारे पास, ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन है, ठीक। इसे क्या बोला था उन्होंने, ये कहता था जितने भी वेव्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रही हैं, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे, मूविंग पार्टिकल्स, और इन्हें उन्होंने बोला था मैटर वेव, ठीक। अब देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक, इसमें क्या है, देखो जो हमारे पास क्या है, मैटर वेव है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मैटर वेव है, देखो मैटर वेव है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पार्टिकल है ना, पार्टिकल है तो मास होगा, और वेव है तो उसके होगी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है, जो उनके बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा लिख लेते हैं, बच्चे कह रही है, ठीक, फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं न्यू से, ठीक है, और मास हो गया हम, ठीक है, और इसे वेवलेंथ लिख लेते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, दो करस्पॉन्डिंग ट्रफ या क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत मजे की बात है, ठीक है। अब देखो ये कहते हैं अगर मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, विद इंक्रीज इन मास, अगर मास इंक्रीज होता है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी साथ साथ, ठीक है, अगर कोई किसी का मास इंक्रीज होता है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, यानी कि एनर्जी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इनका तो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, मास इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी,
गॉट इट ठीक। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो वहां पर क्या होगा, ना ही डिफ्रैक्शन होगा ना ही इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस भी नहीं होगा और ना ही क्या होगा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, ठीक। ना तो वो इंटरफेरेंस शो करेंगे ना ही डिफ्रैक्शन शो करेंगे। कब, जब उसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा वहां पर, ना ही इंटरफेरेंस शो होगा ना ही डिफ्रैक्शन शो होगा, यानी कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी ना, यानी कि देखो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी ऐसे, यहाँ पर देखिएगा फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ऐसे 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 हो गए वेव, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस दो करस्पॉन्डिंग या क्या होगा, बिल्कुल जो एक के बाद एक ट्रफ है या क्रस्ट है या ट्रफ है, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत छोटी सी हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी तो क्या होता है इतनी नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही छोटी हो जाती है, ठीक है, मास इनकी। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारे पास क्या हाई मास है, ठीक है, अच्छा खासा मास है, ठीक है, हैवी है, तो क्या होगा उसकी वजह से वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अगर हम मूव करेंगे, वेव की तरह मूव नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं पार्टिकल नेचर शो करेंगे, ठीक है, मास इंक्रीज हो रहा है। अब वो छोटे लेवल की बात है, अगर क्या होता है मास इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा ना इंटरफेरेंस शो होगा ना डिफ्रेक्शन शो होगा, ठीक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं, अगर मास को हम क्या करते हैं डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, अगर क्या होता है मास डिक्रीज हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मास डिक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी। और उसके बाद ये क्या शो करेगा, ये इंटरफेरेंस भी शो करेगा और डिफ्रैक्शन भी शो करेगा, समझ में आ गया, ठीक है। मैटर वेव अगर हाई मास की है तो इसका मतलब क्या होगा, ना इंटरफेरेंस शो होगा ना डिफ्रैक्शन शो होगा। अगर उसका मास कम है तो क्या होगा, अगर मास कम है तो वेवलेंथ हाई हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्लियरली देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसे समझने के लिए हम देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहले देखा हुआ है, इसे बोलते हैं यंग्स, चलो शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ YDSE, ठीक है। ये क्या होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था, ठीक, दो स्लिट लगा दी थी, ठीक, अच्छा सही बनाना थोड़ा ग्राम को, ठीक है, थोड़ा आ जाइए, ये हमारे पास हो गया, और क्या किया यहाँ से दो ये रिमूव हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक लाइट सोर्स है, यहाँ पर क्या हमारे पास सोर्स है, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो रही है, ऐसे ऐसे वेव्स बन जनरेट हो रही है, ठीक, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हमें एक पैट स्क्रीन पे पैटर्न देखने को मिलता है, हमें क्या मिल रहा है सामने पे जो हमारे पास स्क्रीन लगी हुई है उसमें पैटर्न शो होता है, ठीक है। वो पैटर्न कैसा है, देखो इसमें क्या फ्रिंजेस टाइप के हमें दिखेंगे ऐसे, ठीक है, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट, कहीं पर डार्क, ठीक है। ये क्या होंगे, एक पैटर्न शो होगा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे फ्रिंजेस बोलते हैं, फ्रिंजेस, ठीक है। और एक कैसा शो हो रहा है पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न है, इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है कब, जब वेव, ठीक है, ये किसका नेचर है, वेव का नेचर है, कैसा है, वेव नेचर की बात हो रही है, ठीक है, आ जाइए। बट ऐसा ही इन्होंने क्या किया, जब पार्टिकल को रखा, ठीक है, यहां पर सोर्स क्या था हमारे पास, लाइट थी, ठीक है, ठीक है, जो क्या थी, वेव नेचर शो करेगी लाइट अभी जनरली, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास, अगर हमने क्या किया, अब एक साइड इलेक्ट्रॉन गन रखी, ठीक है, इस बार हमने क्या रखी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गन है, आ जाइए, इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कुछ ऐसे, ठीक, मजे की बात देखिएगा, यहां पर भी हमें जो पैटर्न मिला, ठीक है, वो पैटर्न कैसा था, बिल्कुल वैसे ही था जैसा हमें किसमें मिला था, वेव्स के उसमें मिला था, ठीक है। यहां पर हमें फ्रिंजेस मिली थी, ठीक है, जिसमें क्या था मैक्सिमम मिनिमम इसमें भी था, ठीक, ये भी क्या मिला था हमें, पैटर्न मिला था, ठीक है। और ये पैटर्न भी क्या था, एग्जैक्टली सिमिलर था, किससे, वेव नेचर से। तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है हमारे पास,
इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है, ठीक है। और पार्टिकल क्या शो कर रहा है यहाँ पर? वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल भी क्या शो करता है? वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है। यही बात है कि क्या होगा, हमारे पास जो लाइट है यानी कि जो वेव है वो वेव नेचर शो कर रही है, और यहाँ पर पार्टिकल भी वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने बोला था, यही चीज़ होना ड्यूअलिटी में, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, यानी कि वेव वेव की तरह तो बिहेव करेगी ही करेगी, पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पार्टिकल ने भी क्या शो किया हमें, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिला है हमें, ठीक है। बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। अब देखो डी ब्रॉय ने जब ये सब कुछ बताया फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने डी ब्रॉय ने क्या दी, अपनी वेवलेंथ दी, ठीक है। उन्होंने क्या चीज़ बताई, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने लैम्डा, इस लैम्डा को ही डी ब्रॉय वेवलेंथ भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एच अपॉन पी लिख सकते हैं, और हम इसे कह सकते हैं वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम पी, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, डी ब्रॉय वेवलेंथ, ये किससे एसोसिएटेड, मैटर वेव से एसोसिएटेड होगी, ठीक। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, शायद अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल होगा इसका अगला लेक्चर, ठीक। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।